वेलकम बैक टू माय चैनल बेगूसराय ब्लॉगर। तो आप लोग कैसे हैं, प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में अपना हाल चाल जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज मैं फिर से न्यू वीडियो के साथ आई हूँ। अगेन या एजियो हॉर होने वाला, बट एजियो विंटर कलेक्शन होने वाला है। तो यह मेरे चैनल पे सेकेंड या थर्ड वीडियो है विंटर कलेक्शन का, और जैसा जैसा मुझे ऑर्डर रिसीव होगा मैं आप लोग के साथ वैसे शेयर करते जाऊंगी। और उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी और बहुत ज्यादा आप लोगों को पसंद आएगी। सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने जो लुक क्रिएट किया ये सत्यनारायण भगवान की पूजा। तो दो तीन विंटर कलेक्शन का टॉप मेरे पास अभी रिसीव हुआ, तो मैं सोची आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर किया जाए। अगर आप लोग अभी बाय करने का सोच रहे हैं तो यह रिव्यू आप लोग के लिए सबसे परफेक्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग को यह रिव्यू देखने के बाद आप लोग को हेल्प मिल जाती है इसे बाय करे या नहीं करे या कुछ भी करे। तो एजियो में विंटर का सारा कलेक्शन अभी आ चुका है या पहले से ही होगा, मे बी मुझे नहीं कन्फर्म पता, बट सेल्स सीरियसली मैं बता रही हूँ ऑनेस्टली, यह विंटर कलेक्शन भी उसका इतना अच्छा मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने जो वेयर किया है यह भी एजियो का है। यह हॉल अगर अभी तक आप लोग नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप अगर मुझे कंटिन्यू देखना चाहते हैं मेरा वीडियो, अगर आपको ये अच्छा लगता है विंटर कलेक्शन का और वीडियो मेरे चैनल पे आने वाला, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दूसरी बात यह है कि मेरे सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप लोग ने मुझे वहां पे नहीं फॉलो किया तो प्लीज जाके जरूर कर ले, क्योंकि मेरा लेटेस्ट अपडेट वहां पे मिलते रहता। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं यह वीडियो आपको कैसी लगी और आपको आगे कौन सी वीडियो और किस टाइप की वीडियो देखनी है। बिना कोई लेट किए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं दिखा दूं कुछ, ये कौन सा ब्रांड है, DNMX ब्रांड का, ये एक्स्ट्रा साइज का है। यह एक हुडी है, यह पेंसिल क्लस स्लेटी कलर इसे बोल सकते हैं, स्लेटी कलर का बाजू कुछ इस तरीके से, बाजू पे ये डिजाइन बना हुआ, थ्री बटन्स बाजू में दिए हुए और ये रबर टाइप का है ताकि आगे कुछ भी मतलब ढीला नहीं हो या फिटिंग हो। दोनों बाजू सेम टाइप की है और लेंथ इसका बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी छोटा नहीं, आगे से एकदम गोल गला है ताकि ठंड लगने की कोई चांस नहीं हो। और हल्की हल्की ठंडी जो अभी पड़ रही है यह हल्की ठंडी के लिए परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। और इसका फैब्रिक बहुत अच्छा, इसका अंदर का भी मटेरियल बहुत अच्छा। यह 500 की थी, 500 या 1000 थी, मुझे कंफर्म इसका नहीं पता, मैं लिंक डाल दूंगी आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। यह मुझे 300 या 250 में मुझे पड़ी थी, कंफर्म रेट मुझे इसका बिल्कुल भी नहीं पता है क्योंकि इसका टैग मैं निकाल चुकी हूँ। और बट ये बहुत ही अच्छी है, बहुत गर्म करती है, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं है। इसका कपड़ा अंदर का बहुत अच्छा, मटेरियल बहुत ही ज्यादा अच्छा, अगर आप लोग बाय करने का सोच रहे हैं तो इसे बाय कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा आगे इसकी प्रिंट है और ये प्रिंट बिल्कुल नहीं हटने वाली है, क्योंकि ये प्रिंट आपको मैं नजदीक से दिखाती हूँ। यह प्रिंट जो है सिल्वर का प्रिंट है और ये बिल्कुल नहीं हटेगी धोने के बाद भी। और यह जो है फैब्रिक का कट करके ये प्रिंट इसमें अच्छे से चिपकाया हुआ ताकि ये प्रिंट हटने वाली भी नहीं और बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप लोग मेरे साइज के हैं तो S ले सकते हैं, मेरे से ज्यादा हेल्दी है तो उसमें सारा साइज अवेलेबल रहता है, तो आप लोग कोई भी अपना साइज चेक करके ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ, सेकंड इसमें क्या है मुझे भी नहीं मालूम है। सेकंड यह लोअर है, लोअर तो ऑब्वियसली ठंड में चाहिए ही चाहिए। यह लोअर है, यह मैंने अपनी सिस्टर के लिए बाय किया है कुछ इस तरीके से, नीचे इसमें रबर वाला है ताकि ये नीचे से जो है ठंड में होती है नीचे से हवा लगती रहती है कुछ उस टाइप की नहीं हो और ठंड के लिए कंफर्टेबल हो। और यह बिल्कुल उलन टाइप का है। और यह इसकी MRP है 699, यह मुझे 200 में पड़ी थी, 200 में। और इसकी साइज है एक्स्ट्रा, इसमें भी हर साइज अवेलेबल, आपका जो भी साइज हो आप अपना साइज चूज करके ले सकते हो। और यह कलर हल्का नेवी ब्लू है जो कैमरा पे एकदम परफेक्ट कलर दिख रहा है कुछ इस तरीके से। और इस साइड प्रिंट कुछ लिखा हुआ है, मेट लिखा हुआ है। और यह भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, यह कुछ भी इस तरीके से चिपकाया हुआ नहीं है, यह धोने के बाद भी नहीं हटेगा। और यह एकदम वूलन टाइप का कपड़ा है, ठंड के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप लोग बाय करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इस रेंज में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ट्रस्ट मी गाइस कहीं भी नहीं मिलेगी। थर्ड यह मेरा स्वेटर है, मैंने खुद के लिए बाय किया था, बट मैंने S साइज बाय किया था और S साइज में यह छोटा आ गया। और इसका जो अभी साइज है आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, पता नहीं, मैंने एक्सचेंज करने का भी सोचा बट आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, जिस वजह से मैं इसे नहीं बाय कर एक्सचेंज कर सकती हूँ, मे बी मुझे यह रिटर्न करना पड़े, देखती हूँ कुछ दिन। यह एलन सोली ब्रांड का और इसकी MRP है 1499 और यह मुझे पड़ी थी 700 या 800 आई गेस, और कुछ इस तरीके से है।
कुछ इस तरीके से, ये बहुत अच्छा, इसका कलर इतना खूबसूरत है, इतना प्लस इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। यहाँ आगे कुछ इस तरीके से इसमें वर्क किया गया, यह प्रिंट बिल्कुल भी नहीं है, यह धागे से एकदम वर्क किया हुआ, आप लोग देख सकते हैं, मैं कैमरा पे एकदम जूम करके दिखा रही हूँ। और इसकी फैब्रिक आप लोग नजदीक से देखते हैं, अंदर में एकदम वूलन टाइप का है, सॉरी वूलन कॉटन टाइप का है, मे बी जो भी, बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। बट मुझे ये नहीं आएगी, जिस वजह से मुझे मे बी रिटर्न करना पड़े। यह बहुत ही खूबसूरत है, यह एलन सोली ब्रांड का, और जो ब्रांड है इस पे आप लोग आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं बिल्कुल भी गाइस। और यह कलर भी बहुत अच्छा है, इसकी भी लिंक मैं डाल दूंगी, बट ये अभी अवेलेबल नहीं है, सो तो ये आपको मिलने में थोड़ा सा टफ हो। तो यही था मेरा आज का कलेक्शन, आज का वीडियो, और इसमें मैं रिव्यू एक भी ड्रेस के नहीं दे सकती हूँ, इसलिए क्योंकि ये तो मुझे छोटा आएगा। यह जो है यह मेरी सिस्टर का, और यह भी मैंने अपने सिस्टर को दे चुका है, ये मैं नहीं ट्राई, मैंने अपने सिस्टर को यह दे ही दिया, इस वजह से सब किसी का ट्रायल में ही नहीं दे सकती हूँ। उम्मीद करती हूँ इतना में ही आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग लेना चाह रहे हो, माई लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहां से जाके ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और डिस्काउंट हमेशा इसमें अवेलेबल रहता है, हमेशा का हमेशा। तो यह रिजनेबल प्राइस में आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट रिसीव होगा। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, और यह रिव्यू आप लोग को पसंद आए हो, और आपको यह वीडियो भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा गाइज, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टाटा एंड बाय बाय।